नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। मैं हूं आपके साथ मुस्कान सिंह। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गाड़ी खड़ी है जो आकर लड़ गई है, जिसका नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और ये जो हादसा है, जो ये दुर्घटना हुई है, वो रात के 12:30 बजे करीब हुई है। जिनकी गाड़ी है, जो ओनर है, उनका कहना है कि सामने एक आवारा जानवर आ गए थे, जिस करके ये एक्सीडेंट हुआ है। ये एक्सीडेंट रात के 12:30 बजे हुआ है, जिसमें किसी भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि एग्जैक्ट हुआ क्या है। सर, आपका? मेरा नाम कमलजीत सिंह। सर, जो एक्सीडेंट हुआ, बता सकते हैं कैसे हुआ? मैम, रात को ये जो घूम रहे ना आवारा पशु, ये सामने आ गए थे। उनको बचाते हुए ब्रेक लगाई, गाड़ी घूम गई। बारिश ज़्यादा थी, रात को 12:30 का टाइम था। ब्रेक लगाते गाड़ी घूम के खंबे में बज गई। सर, किसी का जान माल का नुकसान तो नहीं? नहीं 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 हुआ। आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। गाड़ी को कितना का नुकसान हुआ है सर? गाड़ी का हो गया 2-3 लाख का नुकसान है इसका। 2-3 लाख का नुकसान हो गया। बाकी तो आपने कंप्लेंट वगैरह की कुछ? अभी कुछ नहीं किया, अभी तो रात को 12:30 कहाँ कंप्लेंट करनी थी। ओके। अभी देखते हैं, करते हैं। तो 12:30 बजे रात से गाड़ी यहीं पे खड़ी है। हाँ जी, हाँ जी। आप अकेले थे? नहीं, एक लड़का था, छोटा बच्चा। बच्चा ठीक है? बच्चा ठीक है। ओके, तो मतलब बस जो नुकसान हुआ गाड़ी का हुआ है, किसी जान माल का नुकसान नहीं? नहीं नहीं। जैसा कि आपने सुना कि जो रात के 12:30 बजे एक्सीडेंट हुआ, जिसका कारण ये था कि जो आवारा जानवर हैं, जो गाय वगैरह घूमती हैं, वो सामने आ गई थी, जिस करके एक्सीडेंट हुआ। और ये पहले केस नहीं है, इससे पहले भी काफ़ी ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें जानवरों को बचाते हुए, जो पशु रास्ते पे घूमते हैं उनको बचाते हुए, जो ओनर है, जो गाड़ी है, वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है, जिस करके ऐसे एक्सीडेंट होते हैं।